मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मुल्क भर के कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के 855 हल्कों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12,85,85,760 वोटर्स किरायदेही इस्तेमाल कर सकेंगे। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ GNN आफ्ताब अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। आफ्ताब, बताएगा वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और वोटर टर्नआउट कैसा है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में कौमी असम्बली की 3 और सुबह असम्बली की 6 नशस्तों के लिए जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही पोलिंग शुरू हुई तो जो है इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस यहाँ मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से यकीनन वोटर्स को और जो एजेंट्स हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना है। इसी तरह से एक और चीज़ बताता चलूँ कि रात में जो है 2 जो रिटर्निंग अफसरान थे उनकी सुस्त रवि के बायस जो है सुबह 4 बजे तक जो है सामान की तरसील हुई है, और जो प्रिजाइडिंग अफसरान है इन्हें 219 और इन्हें 220 के वो जो है मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर सुबह तकरीबन 6 या 7 बजे तक पहुंचे हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन जैसे यहाँ हम कासमाबाद में PS 60 की पोलिंग स्टेशन कासमाबाद बॉयज कॉलेज में मौजूद है, यहाँ पर भी एक बूथ पर तो पोलिंग शुरू हो गई है, लेकिन दूसरे पोलिंग बूथ पर जो है वो पोलिंग जो है तकरीबन 8:55 पर शुरू हुई है, जिसकी वजह तकरीबन 55 मिनट ताखीर से एक वोटर ने हमसे बात भी की कि हम गए हैं, अब दोबारा जो है घंटे के बाद जो है यहाँ पोलिंग के लिए आएंगे। तो इसी तरह जो है हैदराबाद में 233 उम्मीदवार जो है कौमी असेंबली की 3 और सूबाई असेंबली की 6 नशस्तों के लिए मद्दे मुकाबले हैं। 12,25,000 से जायद यहाँ पर वोटर्स हैं, और इसी तरह से जो है यहाँ पर NQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यहाँ से मद्दे काबिल हैं, और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से ही जो है वोटर्स को निकाला जाए। यहाँ जो हम मौजूद हैं यहाँ पर जो है शहरी इलाका है, उसके बावजूद भी जो है अब वोटर्स आना शुरू हो गए हैं और उनमें रुझान है और खुद से आ रहे हैं, और बाज़ों का जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अयाज लतीफ अली जो हैं GDA के वो भी जो है उनके लोग जो है यहाँ वोटर्स को ला रहे हैं। तो हैदराबाद में अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो 4,500 से सिक्योरिटी एहलकार यहाँ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर अपनी फराज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैदराबाद में 883 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिसमें 365 जो है वो हसास हैं और 181 जो पोलिंग स्टेशन है वो इंतहाई हसास हैं। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशंस पर यहाँ पर CCTV कैमरे भी नसब किए गए हैं, और यहाँ पर SSP हैदराबाद के दफ्तर में जो है कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहाँ पर रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं जो किसी भी नागहानी सूरत में जो है वहाँ पर रेस्क्यू करेंगे। इसी तरह मोबाइल टीम्स जो हैं 320 एहलकार वो भी शहर के 3-9 हलकों के लिए मौजूद हैं, और हैदराबाद में रेंजर्स और जो आर्मी की गाड़ियां हैं वो सुबह से गश्त कर रही हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद भी हैं। लेकिन जो अगर बात की जाए यहां पर एक तो सामान के तरसील की, और दूसरी जो है यहां पर इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने के बाद वोटर्स को इंतहाई मुश्किल का सामना है, और पोलिंग एजेंट्स भी उससे परेशान नज़र आ रहे हैं। SMS नहीं हो रहा, सिलसिला नंबर नहीं मिल रहा, और किसी का जो है पोलिंग स्टेशन नहीं मिल रहा, तो वोटर सुबह से ही परेशान है और पोलिंग में जो है और वोटिंग के अमल में यकीनन जो है लोगों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ GNN आफ्ताब अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।